मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलोता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज है मंडे, अभी सुबह के 10 बज रहा है। मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह से थोड़ी बिजी थी क्योंकि आज मंडे है, इसकी वजह से मंदिर वगैरह गई थी, आप देख सकते हो। अभी मैं सुबह के जो नाश्ता, थोड़ी सी नाश्ता हुआ था, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब खाया था। आज आलू का चाट बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं बोली आप लोग के साथ वो शेयर कर दूँगी। मैंने आज मोबाइल पकड़ के ही आप लोग को बात कर रही हूँ। तो चल, देर किस बात की, तो चलिए देखते हैं आलू का चाट मैं कैसे बनाती हूँ। उसके लिए क्या क्या भी जरूरत है मैं आप लोग को बता दूँगी। तो चलिए देखते हैं आलू का चाट मैं कैसे बनाती हूँ। आलू का चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा दिया, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा दिया था। कढ़ाई भी गर्म हो चुके है। मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रखी थी, उबाल के उसको छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके रखा है। उसके लिए प्याज लिया है और टमाटर लिया है, बाकी तो आप लोग को पता है, जैसे हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर ये सब मैं डालूँगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप लोग को पता चलेगा। पहले मैं आलू का मसाला बना लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी मैं उसमें तेल दूंगी। यहाँ पर रिफाइंड तेल दे रही हूँ मैं, आप चाहो तो सरसों का तेल भी कर सकते हो। अभी इसमें कटा हुआ प्याज दूंगी। प्याज को अच्छी तरह फ्राई होने के लिए देंगे, जैसे प्याज पूरा लाल हो जाएगा। देख सकते हो प्याज अच्छी तरह लाल हो चुका है। अभी मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो सबको अच्छी तरह मिला दो। अभी इसमें जो कटा हुआ प्याज देंगे, टमाटर देंगे, अभी इसमें थोड़ा सा पानी होगी ताकि नीचे मसाला जल ना जाए। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, जैसे टमाटर डाला है टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला में तेल भी निकल के आ जाएगा, तो मसाला अच्छी तरह हो जाएगा, इसकी वजह से मैं थोड़ी ढक दूंगी। उसमें थोड़ी सी धनिया का पत्ता दो, टमाटर थोड़ा अच्छी तरह भून गए हैं, इसमें जो आलू रखा था मसाला अच्छी तरह हो चुका है, अभी जो आलू रखा था उसको दे दूंगी। Thank you.
इसमें मैं थोड़ी सी पानी दे रही हूँ क्योंकि ये मतलब थोड़ी सी पतला चाहे, ज़्यादा पतला ही नहीं चाहे, ज़्यादा दाना भी नहीं चाहे। अभी आप देख सकते हो ये पूरी तरह हो चुका है। अभी जो धनिया का पत्ता रखा था उसको दे दूंगी। ये अच्छी तरह हो चुका है, गैस को बंद कर दूंगी। अब नेक्स्ट चले देखते हैं मैं क्या करती हूँ। आलू का मसाला पूरा बन के रेडी है। इसके लिए उसमें सजाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गाजर को कद्दूकस करके रखा था, एक बीट को भी कद्दूकस करके रखा था, यहाँ पर एक काकड़ी लिया था, ये पत्ता गोभी है, उसके साथ एक प्याज को कट करके रखा था, एक हरी मिर्च को टुकड़े में कट करके रखा था, एक धनिया का पत्ता को लिया था, उसके साथ मैंने यहाँ पे पापड़ लिया है। ये छोटी पापड़ है, ये उड़द दाल की पापड़ है और ये पापड़ी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेव लिया है। उसके साथ मैं चाहे दही, खट्टी पानी, टमाटो सा, जीरा पाउडर, काली नमक, ये चाट मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं पत्ता को भी दे दिया, काकड़ी दे दिया, हमारा ये आलू का चाट बन के रेडी। आपने तो देखा मैंने आलू का चाट कैसे बनाया। मैंने जैसे बनाया एक बार ऐसे बना के खाए, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छी तरह भी बनता है। उसके लिए आपने तो देखा मैंने क्या क्या डाला है। मैंने जैसे बनाया ऐसे जरूर एक बार बनाए और खाए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा। मुझे तो
बहुत पसंद है आलू का चाट, बहुत खाती हूँ मैं। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। फ्यूचर में जो वीडियो मेरा नया आएगा आप इसको मिस ना कर सकते। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखूँगी, आप लोग के साथ कल बात करूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।